Hobbes patriarchy and conjugal rights some scholars are firm believers of the fact that hobbes work is totally patriarchal but modern studies assert against the argument as hobbes views were subversive to patriarchal attitudes although hobbes is considered as patriarchal theorist but the possibility

लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए जिस वक्त एग्जिस्टिंग स्कूल ऑफ थाट्स हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि हॉब्स की फ़िलासफ़ी आज के दौर के जो हकूक हैं उनके साथ किस तरीके से फिट इन हो सकती है बिकॉज फेमिनिस्ट पोलिटिकल थेरी दैट इज़ बीइंग डॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ पेट्रियार्टी एज अथॉरिटी बाई पटरनल राइट्स ऑफ फादर्स एंड मदर्स अब आज का जो फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उनके यहाँ जो डिबेट चलती है जिसके बाद जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं अपने पर्सपेक्टिव को कि जो पेटरनल राइट्स हैं वो कहाँ फॉल करेंगे और सोसाइटी कैसे एडजस्ट करेगी इन राइट्स को खास तौर पर जब बात होती है कि जो पेरेंट्स हैं फादर हैं या मदर हैं उनमें से किसकी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं किसका क्या राइट right है तो इस ये जो डिबेट आज भी चलती है हॉब्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो उसका परस्पेक्टिव है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो क्लैरिटी है रिगार्डिंग द सोशल ऑर्डर वहाँ फैमिली वहाँ पेरेंट्स और जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है हाउ इट कैन बी कैटेगराइज सो कॉन्जुगल राइट्स आर द राइट्स एक्सरसाइज बाय मेन as husbands over their wives is not a matter that ever fall within the political theories of ऑफ and his contemporaries. अब बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि उस वक्त ऐसी डिबेट्स नहीं होती थी तो हॉब्स के साथ भी इस डिबेट को लिंक किया जाना जो है वो लेस है और उसका कोई इंपॉर्टेंस या स्टेटस नहीं है बिकॉज हॉब्स इज कंसिडर टू बी द ओनली वेस्टर्न थियोरिस्ट Who begins from the premise that there is no natural domination of men over women? क्योंकि हॉब्स की फिलासफी बड़ी ऑब्वियस और बड़ी क्लियर है कि सोसाइटी के अंदर आप अपने ड्यूटीज अपने फंक्शंस की बेस पर कैटेगरीज में डिवाइड होंगे मैन वमेन की जो डिस्क्रिमिनेशन या ये जो डिबेट है हॉब्स का पर्सपेक्टिव जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर या उस कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के अंदर इन इशूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट जो है वो हमें नहीं मिलती बिकॉज हॉब्स कंसिडर्स दैट वीमेन आर नेचुरली फ्री एंड ऑलवेज सब्जेक्ट टू मैन थ्रू द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिस मिस अंडरस्टेंडिंग ऑफ कन्फ्यूजन ओवर द टर्म पेट्रियर कीज अराइजन बिकॉज ऑफ द फिलियर टू डिस्टिंगश बिटवीन थ्री डिफरेंट हिस्टोरिकल फॉर्म्स ऑफ पैट्र की थेरी विच आर ट्रेडिशनल क्लासिकल एंड मॉडर्न कॉन्प्ट ऑफ पेट्रीर की असल में वक्त के साथ साथ जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट के अंदर डिबेट्स चलें और वो इस लेवल तक आज आए हैं जिनके अंदर बुनियादी तौर पर मुशरे में फैमिली के हवाले से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से ऐसे ही गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर किसके पास क्या पावर होंगी मैन का क्या स्टेटस होगा गवर्नमेंट को रन करने वाले के पास कौन सी पावर्स होंगी ये वो डिबेट्स हैं जो बहुत शुरू से लेकर आज तक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट उन पर बात भी करते हैं और डिबेट भी करते हैं लेकिन इन इनके यहाँ जो डिफरेंसेस आते हैं उसके नतीजे के तौर पर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट राइज करते हैं जो नॉर्मली ट्रडिशनल स्कूल ऑफ थाट की कैटेगरी में फॉल करते हैं फिर क्लासिकल थाट है और फिर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं आज कल इन्हीं पुराने कॉन्सेप्ट के बारे में ये सारी की सारी डिबेट जो है वो आज भी रेलिवेंट है और वो डिबेट जो है वो चलती रहती है क्योंकि हर वो मामला जिसका तल्लुक सोसाइटी से होगा सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस के साथ साथ एडवांसमेंट्स के साथ साथ वो डिबेट चलती रहती है